एक और कहानी टीवन मोटिवेशनल द्वारा। गाइस, यह कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसे सिर्फ असफलता प्राप्त हो रही थी। एक दिन वह लड़की अपनी माँ के पास अपनी परेशानियों का बखान करने के लिए गई और वो माँ से बोली, माँ मैं परीक्षा में फेल हो गई हूँ, सहेली से झगड़ा हो गया है, मन पसंद ड्रेस जल गई है। रोते हुए अपनी माँ से बोली तो उसकी माँ ने मुस्कुराया और कहा, मैं तुम्हारे लिए केक बनाती हूँ। तो केक उस लड़की को काफ़ी पसंद था, तो केक बनाने के लिए वो रसोई घर में गई तो उसकी माँ ने मैदा लिया और अपनी बेटी से कहा कि ले बेटी तू मैदा खा ले। तो वो लड़की नाराज हो गई। माँ ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, मैदा नहीं तो चीनी खा ले। तो माँ ने फिर कहा, मिल्क मेड के डिब्बे का स्वाद ही चख ले। तो लड़की माँ से बोली, माँ आज आपको क्या हो गया है? तो माँ ने बड़े ही प्यार से जवाब दिया, बेटा केक इन सभी बेस्वादी चीज़ों से ही बनता है, ये सभी मिलकर एक स्वादिष्ट केक बनाती हैं। माँ ने फिर बेटी को सोफे पर बैठा कर कहा, जिंदगी का केक भी इसी प्रकार की बेस्वाद घटनाओं से मिलकर बनता है। अगर फेल हो गए तो क्या हुआ, दोबारा मेहनत करो, पास हो जाओगे। सहेली से झगड़ा हो गया तो अपना व्यवहार बदलो जिससे झगड़ा ही ना हो। यदि मानसिक तनाव के कारण ड्रेस जल गई तो सदा ध्यान रखो कि मन की स्थिति हर परिस्थिति में अच्छी हो। बिगड़े मन से काम भी बिगड़ेंगे और अच्छे मन से काम करोगे तो आपके सभी काम अच्छे होंगे।